another video aur aapka aaj ki video mein swagat hai. And finally we are going to watch a much awaited song jo ki mujhe lag raha hai ki 2-3 mahine kyunki Eid par mujhe lag raha hai ki wo matlab thoda sa hum logo iska teaser sa dekha tha song ka. तो अभी भाई गाना जो है वो रिलीज हो चुका है, हम लोग छुट्टियों पर थे, लेकिन ये कि हम लोगों को सजेशन काफ़ी ज़्यादा मिली है कि हम ये सॉन्ग आपके साथ बैठकर देखें. तो कौन सा सॉन्ग है बताएंगे मौसम, टाइटल है केसरिया. तो चलिए देख लेते हैं ये गाना. लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को. इसके अलावा लोग चैनल का लिखो इसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें. चलिए देख लेते हैं ये वीडियो. मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां. दोनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा इश्क है पिया. रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में. रैन सारी तेरी खैर मनाऊं. शिवा, ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती. अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा? पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी. सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले चंदा भी दीवाना है तेरा. जलती है तुझसे सारी चकोरियां. काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है पिया. रंग जाऊं पूरे गाने की बात करें तो पूरा गाना एक तरफ और बीच में जब वो कहते हैं ना केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो वाली जो फीलिंग वाली वाइब्स है ना वो एक तरफ. लेकिन ये कि आई लव द पिक्चराइजेशन जिस तरीके से मतलब ये जो सॉन्ग है हम लोगों ने देखा है हर सीन बहुत खूबसूरत था. मुझे लग रहा है कि बीच में शायद ये लोग शादी कर लेते हैं जहाँ तक मुझे शायद लग रहा है क्योंकि पता नहीं हार वो जो माला वगैरह पहनी होती है. बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाया गया जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि जो काशी कॉरिडोर है उससे यू नो. तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं गलत नहीं तो मुझे तो वही वाला मंदिर लग रहा था भाई. अभी ये तो जब मूवी देखेंगे फिर ही पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है. लेकिन फिलहाल अभी गाने की बात करते हैं. ऐसे करें कि बीच में हम लोगों को मंदिर नजर आया, फिर जैसे हम लोगों को घाट नजर आए वो सब, और हम लोगों को वाराणसी की जो गलियां नजर आई मुझे वो सब बहुत खूबसूरत लगा इस तरीके से पिक्चर आई. हाँ, इतना तो गाने में दिखाया, ये दिखाई दी कि वाराणसी में जो है ना काफी ज्यादा फिल्म जो है वो हमें देखने को मिलेगी. अच्छा, बीच में जो है बीच में जो आरती उतारी जाती वो भी जो है पीछे जो है दिखाई गई. मुझे लगता है वहीं पे वो एक सीन आएगा जहाँ पे आग उनके हाथ में हमने ट्रेलर में देखा था. बट ये कि भाई खूबसूरत लिरिक्स हैं, अमिताभ भट्टाचार्य सर के हैं और इसके साथ जो सिंगर हैं भाई उनके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. अरिजीत सिंह मतलब उनके गाने प्यार नहीं, प्यार भी और उनकी आवाज
आवाज जब भी आप सुनते हो ना, आपको आई मीन किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये था कि अरिजीत सिंह सर जो हैं, उनकी आवाज जो है वो प्यार भाई लोगों में खिलाती है, बांट रही है, इतनी यानी कि उनकी अच्छी आवाज है। मैं वैसे जब से मैंने ये गाना फर्स्ट टाइम मैंने सुना था ना, तो यही जो इसके लिरिक्स है ना, केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो ये बहुत सारी रील्स के पीछे बहुत सारे ऐसे उन लोगों में शामिल है जिन्होंने रील्स बनाई थी। फिर उसके बाद जो है पहाड़ी इलाकों में जब लोग जाते हैं वहां पर जो है ये रील्स बना बना के लोगों ने, तब मुझे पता नहीं था, मैं सोचा शायद कोई नया जो है गाना अभी आया है तो उसका है। फिर मैंने जब सर्च किया तो तब मुझे पता चला कि भाई ब्रह्मास्त्र का जो है ये गाना आउट हुआ है, तो उसके अंदर जो है ये है गाना, और लिटरली बहुत मजा आता है सुनने का मुझे ये गाना, जब वो केसरिया तेरा इश्क है पिया कहते हैं। अच्छा, जैसे वो जब गलियों में आते ऊपर से येलो कलर के फूल मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। बस मुझे ये है कि इस मूवी का जो एंड है वो थोड़ा इस तरह से ना हो कि हम सबको उदास कर जाए। लेकिन अभी तो इसके पार्ट्स आएंगे ना। हाँ, बट अभी आई डोंट नो कि सेकंड थर्ड पार्ट में भी यही वाली कास्ट होगी या कोई और कास्ट होगी, ये भी तो नहीं ना हम लोगों को ये भी नहीं मालूम, स्टोरी हम देखेंगे तो पता चलेगा। बट नो डाउट इट इज मच अवेटेड मूवी, हर बंदा इसका इंतजार कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी मुझे काफी पसंद आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भी हम लोगों ने लास्ट डेज में जो डिफरेंट अस्त्र हैं उनके बारे में जो एक नॉलेज दिया गया, अब सॉन्ग रिलीज हो गया है, अभी मुझे लगता है कि इसकी रिलीज मूवी के रिलीज होने से पहले पहले और चीजें भी आती रहेंगी जो लोगों में एक यू नो एक उनको थोड़ा उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती रहेंगी, थोड़े लोग एक्साइटेड रहेंगे मूवी देखने के। बट म्यूजिक प्रीतम दा का कमाल का, बहुत मजा आया मुझे ये गाना देखने का। और ये जो जब जब गाना शुरू होता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं पर वो वाली एक वाइब आती है, वो जैसे ब्रेकअप सॉन्ग वाली, इसमें भी ना जिस तरीके से वो देखती है ना आलिया भट्ट। मुझे वैसे कि मैं गाने की बात करूँ ना, तो शायद पिक्चराइजेशन देखकर आपको इस तरह लुक आए, लेकिन जो है अगर आप वैसे फील आए, लेकिन अगर आप गाने को वैसे ही ऑडियो में जो है फील करें ना, तो उसमें तो वैसे बिल्कुल इस तरह, उसमें तो आपको एक बड़ी रोमांटिक सी और ऐसे लॉन्ग रूट वाले गाने की जो है फीलिंग आएगी। इसका ना बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है उस गाने से। मैं ऑडियो की बात नहीं कर रही, मैं विजुअल्स की बात कर रही हूँ। अरे मैं वही, मैं दोनों को ब्याह कर रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि ना लाइक अभी जैसे जो हम लोगों ने जो अगर हम इन डेप्थ जाते हैं लिरिक्स के, तो आप उसमें वाकई में डूबते हो, आपको मजा आता है सुनने का। और मैं बिल्कुल अग्री करूंगी मौजूद के साथ कि लॉन्ग रूट पर भी अगर आप सुनोगे तो ये गाना सुनने का आपको बहुत मजा आएगा। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपको इस सॉन्ग का जो बेस्ट पार्ट है या पिक्चर का बेस्ट पार्ट क्या लगा जरूर बताइएगा हम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।